नमस्कार, मैं नीता देवी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय योग विभाग से आपका स्वागत करती हूँ। आज अभ्यास के क्रम में हठ प्रदीपिका में वर्णित सिंहासन का अभ्यास हम करेंगे। इसकी विधि हठ प्रदीपिका में किस प्रकार बताई गई है, आइए एक बार देखेंगे। यह वज्रासन की स्थिति है जिस पर मैं बैठी हुई हूँ। आप घुटनों के बल खड़े होकर दोनों पैरों को क्रॉस में रखेंगे। अभ्यास इस प्रकार करना है कि आपका बायां नितंब दाईं एड़ी व दायां नितंब बाईं एड़ी पर रहे। थोड़ा सा सहज स्थिति में आने का प्रयास करेंगे। हाथों की उंगलियों को खोलकर घुटनों के ऊपर रख लेंगे और अंतिम स्थिति में मुंह खोलते हुए जीवा आप बाहर निकाल कर रख सकते हैं और नासिकाग्र दृष्टि रखेंगे। वापस आने के लिए मुंह बंद करते हुए आंखें बंद करते हुए हाथों की उंगलियों को ढीला छोड़ेंगे। आप धीरे से वज्रासन की स्थिति व सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। विश्राम की स्थिति में ध्यान रहे समाधि को बढ़ाया जा सकता है यदि आप नियमित अभ्यास करते हैं 30 सेकंड से 1 मिनट व और अधिक समय के लिए भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। स्वयं के अभ्यास व सहजता के अनुसार आप अभ्यास करेंगे। कुछ आपको सामान्य सावधानियां ध्यान में रखनी है। यदि घुटनों में किसी प्रकार का दर्द, पैरों में जकड़न, गठिया की समस्या है, गठिया बात की समस्या है तो आप यह अभ्यास ना करें। यदि हल्का फुल्का दर्द है, पैरों में जकड़न होती है तो विशेष निर्देशन में ही आप यह अभ्यास करेंगे। यह अभ्यास मूलबंध के अभ्यास के लिए काफी अच्छा है जो आपको मूलबंध के लिए तैयार करता है। इसमें स्वतः ही मूलबंध का अभ्यास होता है। यह अभ्यास प्रजनन अंगों पर भी अच्छा प्रभाव डालता है, साथ ही साथ पूरे मूल क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ता है, मूलाधार चक्र पर, जिसके कुछ सामान्य लाभ भी हैं, आध्यात्मिक लाभ भी हैं। यह अभ्यास मन को शांत करता है, स्थिर करता है। इस प्रकार आप इसके सावधानियों को ध्यान में रखते हुए हठ प्रदीपिका में वर्णित सिंहासन का अभ्यास करेंगे।